हेलो एवरीवन, तो मैं तो आज काफी दिनों बाद मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपने किचन में। बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशी आ रही। ओके, लकीली मुझे किचन में ये स्टैंड मिल गया क्योंकि मम्मी ना हमेशा खाना बनाते बनाते ना रील बनाती रहती है और रील देखती भी रहती है, तो ये स्टैंड मम्मी का। तो हम बनाने वाले हैं आज पिज्जा। तो मैं कुछ पिज्जा बैग्स लेकर आई थी नीचे से, और इसके साथ मैं लेकर आई हूँ मोज़रेला चीज़, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। मुझे ना इसका क्यूब्स वाला बहुत अच्छा है, मैंने वो ट्राई किया है। ये मैंने ट्राई नहीं किया, ये वाला आज मैं पहली बार ट्राई करूँगी। हाँ, क्योंकि मैंने ना एक बार पहले भी पिज़्ज़ा बनाया है दिवाली में, पर वो दीदी की हेल्प से बनाया था, आज मैं अकेले बना रही हूँ, तो देखते हैं। और ये है पिज़्ज़ा टॉपिंग, ये हम पिज़्ज़ा के ऊपर जो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, मेयोनीज टाइप होता है ये, सॉस एक तरीके का। और ये है सेज़वान चटनी, और ये है चिली फ्लेक्स और टमाटोज। मैं ना शिमला मिर्च लाना भूल गई, तो बिना शिमला मिर्च का ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं वापस नीचे नहीं जाऊँगी। और मुझे चाहिए कुछ अनियंस, जो मुझे फ़िलहाल मिल नहीं रहा है, मम्मी को बुलाती हूँ वो ढूंढेगी। और बस फिर मैं रेसिपी से स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे मिल गए हैं कांदे, और अब हम इसे कट करेंगे, तो कट मम्मी करेगी क्योंकि मम्मी को वीडियो में आना है, तो मम्मी को भी काम करना पड़ेगा ना वीडियो में आने के लिए। तो ये मम्मी कट करो इधर। मैं पिज़्ज़ा बनाना है, तो ओवन में पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें कुछ बर्तन लगेगा जो ओवन में जाए। तो वैसा प्लेट हमारे पास नहीं है, तो हम एक बाउल में बनाने वाले हैं। इसमें मेरा ये बाउल ओवन में भी फिट हो रहा है, और इसमें मेरा ब्रेड भी फिट हो रहा है, तो हो जाएगा ऐसे निकाले। अब ब्रेड के ऊपर मैं लगाने वाली हूँ सबसे पहले ये टॉपिंग्स। मुझे मिल गया चॉकलेट, अब मुझे मिल गया कांदा, उसे मिला चॉकलेट, मुझे मिला है कांदा। तो मम्मी काटेगी कांदा और मैं अब मैं आंसू बहाऊंगी, वो मीठा मीठा खाएगी। पर मुझे कांदा काटना पसंद है। अब मुझे पसंद है तो काटो, टाइम लगेगा। मुझे तो नहीं पसंद है लेकिन काटना पड़ता है। तो वो ब्रेड पे लगाते हैं ना, जिससे नाइफ से वो मिल नहीं रहा है। बना सके उतना ज़्यादा चीज़ ही दे सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। चीज़ बटर है और टेम्परेचर कितना रखना है मुझे ये भी नहीं पता, तो मैं अंदाजे से 3 मिनट रखती हूँ। दो तीन मिनट में अच्छा हो जाएगा ना, 2.5 मिनट रखती हूँ। ये हमारा दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी रेडी है, इसको हम डालेंगे गैस में। तो गैस पे है, आग लगाएंगे, और ये है तवा। तवा लगाने के बाद ऊपर हमने रखा ये स्टैंड को, इस स्टैंड के ऊपर पिज़्ज़ा रहेगा, और फिर हम उसको कवर कर देंगे, ढक देंगे, फिर देखेंगे कौन से वाले में ज़्यादा बेटर बनता है और आपको रिव्यू देंगे। ये हमने गैस पर पिज़्ज़ा रख दिया है, गैस बहुत धीमी आँच पे है, और डाल दे दूसरा, इसको कवर कर देंगे, कवर कर दे। अच्छा, तो तवे पे जब हमने बनाया तो पिज़्ज़ा ऊपर से जो चीज़ी था ना वो पूरा मेल्ट ही नहीं हुआ, ना वेजिटेबल्स बराबर से पके, तो हम इसे फिर से ओवन में डाल रहे हैं फॉर 30 सेकेंड्स।
मैं क्या बोल रही थी, अभी तो सिर्फ ऊपर वाला ही पकाना है ना। बस कर बस कर, तुरंत हो जाएगा। धक 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 धक, हमेशा ऐसे पचका ही होता है कुकिंग वाले व्लॉग में, पर मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। इस बार तो मम्मी भी फेल हो गई। मैं अब पिज्जा नहीं आता है, मुझे इंडियन खाना आता है। तो क्या फायदा, मैं मास्टर शेफ को लेके किचन में घुसी तब भी मैं हाँ फेल हो गई। चल चल बंद कर, मास्टर शेफ तो रूम में बैठी थी, बंद कर रहे अपनी तारीफ करा। अरे क्या क्या कर रहे हो, चलो बंद कर। वो तो गया लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। कितना जुगाड़ किया हमने देखो, ये सब कदवा दुगा कदवा। दिनों बाद मिली ऐसी खुशी आ रही, खुशी आ रही, खुशी आ रही, खुशी आ रही। पिज्जा खाने के बना के पिज्जा खाना है। क्यों, मैंने पिज्जा बनाया, मम्मी ने पिज्जा बिगाड़ा, मैंने उसको सुधारा, और फिर मेरे बाबू ने आके थोड़ी बहुत हेल्प की, पर फिर भी पिज्जा मिला जुला के हम तीनों ने मिलके बनाया पिज्जा। और अब खा के देखते हैं, आपको बताते हैं कि ये कैसा बना है। तो पहला भाई काटो चाकू से, एक अच्छा ब्रेड खराब था। मैं बताती हूँ, पहले हमने अवन में ट्राई किया, अवन में पूरी तरह से मेल्ट हो गया जो कि आपने देखा। फिर हमने गैस पे ट्राई किया तो ऊपर वाला पका ही नहीं, नीचे वाला जल गया। ऊपर वाला को पकाने के लिए हमने वापस से उसको ओवन में डाला और फिर ऊपर वाला पका और ये जो है हम खा रहे हैं। अब मैं ना ये वाला नहीं जलाऊंगी, अब हो गया तो खाला। दादी को दे दो, दादी ने चेस्टा खराब किया तो दादी को नहीं किमर है ना। तुम ये वाला मैं नहीं जलाऊंगी, ये वाला अच्छा बनेगा।